हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जोगेश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए भैया। हमारे व्यूवर्स को बताओ आज अपन कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। संडे के दिन हम जा रहे हैं ससुराल जा रहा है। किसकी? ससुराल जा रहा है अपन, राहत भाई की ससुराल, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर है सलामतपुर। और सलामतपुर के पास में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको हम घुमाने लेके जा रहे। भाई नाम मत बोल रहा है, नाम सस्पेंस में सस्पेंस। बाकी आप सामने व्यू देखो भाई, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है सामने का। हाँ इसी में टोकना है इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज का प्लान कुछ ऐसा था कि भाई आज संडे का दिन था, और संडे का दिन जो है ना वो अपनी लाइफ में फंडे का दिन होता है। संडे बोले तो फंडे। तो भाई हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ फन करने के लिए जाना चाहिए। और फिर राय की ससुराल है, ससुराल जाने के छाइट ही अलग होते हैं अपने। तो भाई अब देखते क्या क्या तैयारी होती है वहां पर अपनी। तो चलते हैं भाई और आप लोगों को भी दिखाते हैं, बाकी आप लीजिए सफर का मजा। और फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हम कौन सी ऐसी जगह है जो कि सलामतपुर के पास है और बहुत अच्छा दार्शनिक स्थल है। मतलब काफी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं जिन लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है ना उनको आज अपनी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। क्यों नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो फिर चलते हैं। मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है ना यार, क्या मस्ती ना अपने आप ही निकल रही है। मतलब हम सिर्फ 3 लोग हैं गाड़ी के अंदर, बाकी 2 लोग और आगे मिल जाने वाले हैं। तो भाई पार्टी जो है ना बहुत ही भयानक होने वाली है, बहुत ही अच्छी, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और बाकी अपन वहाँ पहुँचने के बाद दिखाते हैं आपको। गाड़ी 2 मिनट रोकी है हमने रास्ते में, क्योंकि सामने एक जामुन का पेड़ है, देख सकते हो आप। तो जामुन खाते हैं फटाफट चल के। हर ब्लॉग में बताता हूँ कि भाई एमपी में अगर कोई भी बंदा अगर बाहर से वीडियो देख रहा हो मेरी, तो भाई वो स्ट्रीट क्रिटल्स से बिल्कुल बच कर रहा है। देख लो रोड पे इतने ज़्यादा घूमते हैं ना, ये देखो ये मारा भाई। जामुन तो नहीं गिरी, पत्ते जरूर गिर गए। अरे 2 जामुन गिरी हैं यार। और नितिन भाई ने एक और कोशिश, हाँ भाई निशाना लगाते हुए, और कहाँ गया? 2 पत्तियाँ गिरी, 2 भाई, 2 पत्ती गिरी, 2 ये 2 महान मूर्ति और तीसरी मूर्ति पीछे पीछे मैं। और भाई आज का जो ट्रिप है वो अपन मार रहे हैं वेन्यू से, तो चलते हैं फटाफट आगे की तरफ। भाई जामुन बहुत खा ली, बहुत सारी तो टूटी नहीं इसलिए बहुत सारी खा ली। भाई कितनी जामुन खाई? एक खाई यार बहुत खाई, मतलब सिर्फ एक ही खाई, क्योंकि भाई जामुन जो है ना टूटने रही थी, काफी ऊपर थी हाइट पे, और हमें तो किसी का भी निशाना ऊपर अच्छा नहीं है। वैसे अच्छा है लेकिन ऐसे अच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना? देख रहा है ना मेरा? समझ रहे हो भाई। बाकी देखो आप व्यू देखो कितना मस्त है यार, वाह। खुशी देख रहा लड़के की, ससुराल आने की खुशी, क्या खुशी देख रहा, खुशी। तो भाई हम लोग यहाँ आए थे तेंदुआ देखने। भाई ये वो जगह जहाँ की मैं बात कर रहा था। और भाई अभी टाइम हो रहा है कहाँ गया, 5:27, काफ़ी लेट हो गए हम लोग आने में। एक छोटी सी जगह है यहाँ पे बैठने वगैरह के लिए। भाई बहुत ही शानदार जगह है, देख सकते हो आप लोग चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और इस जगह का नाम है सतधारा। भाई क्या नाम है जगह का? सतधारा। देखा तो आपने, सब लोगों ने बोला सतधारा। तो भाई ये भोपाल से 38 से 40 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है मेरे हिसाब से। बाकी अपन चल रहे हैं थोड़ा सा और आगे, तो देखते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी भी है, देख सकते हो आप, चिकनाई भी है, तो बहुत ही संभल संभल के जो है हमें नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से। बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है भाई, यहाँ से हमें बिल्कुल सावधानी से। राय भाई आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। चूँकि हम लोग सतधारा पे, देख सकते हो आप कितनी सुकून और कितनी शांति है यहाँ पे, वाह। अपने इंसानों का थोड़ी ना, क्या बात है, क्या बात है, देखो आप क्या जगह है यार। मतलब भाई मैं अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ कि नेचुरल प्लेसेस पे जाने की बात अलग ही है। भाई कितनी मस्त जगह है यार, ऑसम। सो गाइस 6:08 हो गए हम लोगों को यहाँ पे सतधारा की जगह पे घूमते हुए, और भाई बहुत ही अमेजिंग जंगल है, देख सकते हैं आप। मेरे चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, वो सामने जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट, वो देखिए सामने, वो भाई वो नदी है जो कि यहाँ पे ऐसी जा रही है, यहाँ पे इस तरह से जा रही है।
लेकिन हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं नीचे, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जो ये पत्थर है ना, यहाँ पे फिसलन हो रही है, तो भाई नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो भाई हम लोग यहीं पे सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, अपना खाना पीना चल रहा है, बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। सतधारा में हम लोग हैं और ओह भाई राइज भाई आगे आगे चल रहे हैं अपने, और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ भाई कैमरे को लेकर के। चलो रास्ते देख लो आप एक बार यार, कितने खतरनाक रास्ते हैं। राइज भाई नीचे उतर चुके हैं पूरी तरह से, और हम लोग जो हैं वो जंगल में अभी भी हैं। सतधारा का जंगल है, और सतधारा का जो जंगल जो ओरिजिनल मतलब कह सकते हैं उसको जंगल, ओह माय गॉड भाई आपका भाई जो है ना बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करता कहीं भी कूदने में, क्यों मजाक था वो भाई देखो राइज भाई को देखो वो कहाँ जा रहे हैं, वो देखो सामने वो पीली शर्ट में एक आदमी दिख रहा है। तो अपन भी भाई फटाफट वहीं पे चलते हैं राइज भाई के पास में। और ओ माय गॉड भाई ये जो पत्थर है ना, इन पत्थर के ऊपर भाई थोड़ी सी कजली जमी हुई है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है भाई पत्थर पे उतरने में, नीचे और जाने में। नितिन भाई की गाड़ी है वेन्यू, तो भाई आज का जो टूर है वो नितिन भाई की तरफ से था, और हम लोग आए थे सतधारा। ठीक है, सो गाइस ये है सतधारा का मेन एंट्रेंस, यहाँ से अपन अंदर एंटर होते हैं। इसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है।